नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। फ्लैटों में स्थान कम होने के कारण कमरों में डबल बेड या दीवान जो भी रख पाते हैं उनमें से ज़्यादातर बॉक्स वाले होते हैं, लेकिन ये बॉक्स वाले डबल बेड उस कमरे में आने वाली पॉजिटिव एनर्जी को कम करते हैं। कमरे में यदि एनर्जी की अवरुद्ध होगी तो उसका असर आपके जीवन पर भी पड़ेगा। पति पत्नी के बेडरूम में कोशिश तो यही करनी चाहिए कि बेड प्लेन हो, लेकिन आजकल की फ्लैट कल्चर शायद आप ऐसा ना कर सके, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि बेड के बॉक्सेस में जो भी सामान हो सब करीने में रखा जाए, सब करीने से रखा जाए, उसे कबाड़ की तरह इस्तेमाल ना किया जाए। ना ही कोई ऐसा सामान रखना चाहिए जिसका प्रयोग आपको करना ही नहीं है। बेड में कम से कम सामान रखना चाहिए, व्यर्थ के सामान को उसमें ठूस ठूस कर रखना से बचना चाहिए आपको। अक्सर लोग बर्तन, पुराने कपड़े या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान को रख देते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। यह सब नकारात्मक है। नींद ठीक से नहीं आती, सपने खराब आते हैं और उसके ऊपर सोने वालों के बीच विवाद भी बना रहता है। इसके साथ ही बेडरूम में पलंग, कुर्सी आदि आयरन की ना हो। जहाँ तक हो सके बेडरूम में रखे जाने वाले फर्नीचर लकड़ी का ही हो, क्योंकि आयरन में बेड एनर्जी अर्थात नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। ऐसा करने से उस रूम में खिड़की दरवाजे से आने वाली पॉजिटिव एनर्जी या चिन यानी नेगेटिव एनर्जी के साथ मिलकर न्यूट्रल हो जाती है। वहीं लकड़ी का फर्नीचर और बेड आदि यंग एनर्जी अर्थात पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हैं। इस कमरे में पैदा होने वाली पॉजिटिव एनर्जी खिड़की दरवाजों के माध्यम से बाहर से आने वाली पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलकर आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देगी। आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होने लगेंगी और पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से व्यवहार करते दिखने लगते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।